अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। देखिए, ये दोनों सुपारी लेकर के जनपद फिरोजाबाद में हत्या करने के लिए आए थे। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज और एसओजी टीम की ये सक्रियता है और उनकी सतर्कता है कि ये दो अपराधी पकड़े गए हैं और जो जनपद के एक प्रतिष्ठित कारोबारी का हत्या करने यहाँ पे आए थे। जो अभी तक जानकारी मिली है, इन दोनों लड़कों की जो पहचान हुई है उसमें एक ये आशीष यादव गिरफ्तार हुआ है जो आजमगढ़ का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति जो है संदीप यादव है वो भी आजमगढ़ का ही रहने वाला है। और इन दोनों लड़कों के पास से जो बरामदगी हुई है, जो असलहे बरामद हुए हैं और जो गाड़ी बरामद हुई है उस पर जब विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होंने पूरे सनसनीखेज जो घटना ये करने जा रहा था खुलासा किया। इनके द्वारा बताया गया कि ये इस घटना के संबंध में करीब एक महीने से इनकी प्लानिंग चल रही थी और इनका जो बेसिकली जिसने इनको ये सुपारी दी थी वो दो व्यक्ति हैं जो गोरखपुर जेल में बंद हैं। एक व्यक्ति के माध्यम से गोरखपुर जेल में प्रिंस जायसवाल नाम का व्यक्ति बंद है जिसने इनको 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी इनका मर्डर करने के लिए, और उसको एक दूसरे व्यक्ति ने जो फिरोजाबाद में ही एक हत्या के मामले में वांटेड था जिसको एसटीएफ ने पकड़ा था अभी फरवरी में और उसको गोरखपुर जेल में बंद है, उस व्यक्ति से संपर्क करके ये पूरे घटनाक्रम को प्लान किया था। और इसमें जो है जनपदी पुलिस की सक्रियता से इस पूरे कांड को रोका गया और इसमें जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार करके बरामदी की गई। जो हाँ बताएं, इसमें अभी हमारी चूँकि जांच और अधिक गहराई तक इसमें चल रही है, इसमें हमारी दो टीमें हैं जो आजमगढ़ के लिए और गोरखपुर के लिए जो है रवाना है ताकि और इसमें गहराई तक छानबीन कर सके हम लोग, इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सकें। और इसमें हम लोग अभी माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि पुलिस कस्टडी रिमांड का ताकि और भी तथ्य जो हैं उसको हम लोग पूरी गहराई से सामने लेकर कर सकें। इस पूर्व में भी कोई हत्याएं की हैं लोगों ने या ये नहीं? ये दोनों जो हैं अभी तक जो जानकारी है उसमें इनका ये कहना है कि हमें 5 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था इसलिए हम लोग इस हत्या को करने के लिए तैयार हो गए थे। पूर्व जो इनका आपराधिक इतिहास है उसके लिए हमारी टीमें रवाना है, अगर कोई निकल गया तो बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। सर, तो फिरोजाबाद से इनके तार कहाँ कहाँ और कैसे जुड़े हुए? देखिए, मैंने आपको बताया कि गोरखपुर जेल में ही एक अभियुक्त है जो 50,000 का इनामी था, देवेंद्र यादव, हमारे यहाँ वो एक हत्या के मामले वांटेड था जिसकी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी और उसके बाद वो फरवरी 2020 में गोरखपुर जेल में बंद हुआ था। उस व्यक्ति का एक सगा छोटा भाई है शिवा, जो यहाँ पे एक मर्डर केस में जेल में गया था और वो मर्डर केस जो था वो संबंधित जो कारोबारी हैं उनकी फैक्ट्री में एक मुनीम का मर्डर हुआ था, वहाँ से रिलेटेड था। इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जुड़ा हुआ था। सर, क्या क्या बरामदगी की है और पुलिस टीम को किस तरह का इसमें नाश्ता दिया गया? देखिए, इसमें अभियुक्तों के पास से तमंचे और कारतूस और साथ में गाड़ी बरामद हुई है और जो पूरी टीम है इसमें जिसकी सक्रियता से ये एक सनसनीखेज घटना होने से बच गई, इसलिए मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम और आदरणीय आईजी महोदय की तरफ से भी 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। थैंक यू।